नमस्कार, मैं पंडित मोहित कपिल शर्मा और आप देख रहे हैं NTV ह्यूस्टन और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मित्रों। और हमेशा की तरह बात करेंगे 12 राशियों के बारे में, आपका आज का दिन कैसा रहेगा और उसके बाद हम चर्चा करेंगे तुला राशि के साप्ताहिक राशिफल के ऊपर और तुला राशि वालों पर क्या क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, क्या और क्या क्या उपाय करने चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और मेक श्योर मित्रों, ये आपकी जन्म राशि हो, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा नंबर 7 में बैठा हुआ है तो आपकी जन्म राशि तुला राशि है। और आज हम 12 राशियों के बाद आपकी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? मेष राशि वालों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य को लेकर किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, गुस्से में आप आकर कुछ गलत कर सकते हैं, तो मेक श्योर अपने गुस्से के ऊपर काबू रखें। आज के दिन स्पेशली इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर गुस्सा बिल्कुल भी मत करें, वरना आपका शारीरिक तौर पर कुछ ना कुछ कष्ट हो सकता है, गुस्सा आपको आ सकता है, ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अपनी समझदारी दिखाएं कि गुस्सा बिल्कुल भी मत करें और स्पेशली आज के दिन दूसरे के झगड़े में बिल्कुल भी मत पड़ें। इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा। और एक लाल कपड़ा आप मंदिर में दान दें या फिर किसी मांगने वाले को कोई भी लाल रंग की जैकेट या कोई भी आप कपड़ा दान कर सकते हैं, टॉवल दान कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। स्पेशली आज के दिन वाहन आदि चलाने में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें और ये दान पुण्य आप करते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप मंगल के मंत्र कर सकते हैं, ओम हंग हनुमते नमः, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करते हैं मित्रों वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन घूमने फिरने की जगहों पर अधिक होगा, मनोरंजन के साधनों के ऊपर आप खर्चा करेंगे और स्पेशली घूमने फिरने की तरफ अपना ध्यान कम रखें। इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। अगर कोई आपका एग्ज़ाम है या इंटरव्यू आपने दिया हुआ, उसके ऊपर आप फोकस करें, अपने काम के ऊपर फोकस करें, फिजूल खर्ची से बचें, स्पेशली इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। और वृषभ राशि वाले, आँखों में कुछ दिक्कत हो सकती है और अधिक से अधिक हो सके सूर्य देवता को आप जल दें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओम घृणी सूर्याय नमः, एक लोटे के अंदर आप जल भरकर सूर्य देवता को आप जल दिया करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और दिन के अंत में आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, अच्छा अच्छे ऑफर आपको आ सकते हैं, तो मेक श्योर उन ऑफर के ऊपर गौर करें। बात करते हैं मित्रों मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है, कार्यों में सफलता, धन लाभ, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर आपको आ सकते हैं और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आज के दिन की खास बात, आपकी बुद्धि से सारे कार्य बनते चले जाएंगे और धन लाभ भी बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप बिजनेस में हैं, धन लाभ बहुत ही अच्छा होगा और अगर आप जॉब पर हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा जरूर होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अधिक से अधिक हो सके बुध को आप और स्ट्रॉन्ग बनाएं, बुध देवता के मंत्र किया करें, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सह बुधाय नमः का पाठ करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करते हैं मित्रों कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए स्पेशली वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें, परिवार में झगड़े हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है, कुछ ऐसी बात हो सकती है जो कि आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा दे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अपने बड़ों की बात माने, बड़ों की बात ना मानना आज के दिन स्पेशली आपके लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है। इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है और अधिक से अधिक हो सके ओम भ्रांग ब्रिंग ब्रोंग सहरावे नमक आप पाठ करें और बाजरा और पानी आप चिड़ियों को डाल दें सुबह के टाइम और अपने काम पर निकल जाएं। अगर कोई अनहोनी होने वाली है तो वो भी आज के दिन टल जाएगी। जब भी आपको टाइम मिले राहु के आप मंत्र किया करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओम भ्रांग ब्रिंग भ्रोंग सह रावे नमक आप पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं मित्रों सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा है, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। स्पेशली आज के दिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि लेजी बिल्कुल भी मत हो, वरना आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और अधिक से अधिक हो सके छोटा सा मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का पाठ करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। छोटे भाई के साथ मिलकर आप कोई बिजनेस प्लानिंग कर सकते हैं और ये प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो मेक श्योर उसके ऊपर फोकस करें, गौर करें और उसको एक्शन में लेकर आएं। मेक श्योर वो प्लानिंग आपकी कामयाब जरूर होगी, तो प्लानिंग के अंदर आप लगे रहें, 100% उसमें आपको सफलता मिलेगी। और इसलिए मैं मित्रों बोल रहा हूँ कि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, बिल्कुल भी लेजी मत हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बात करते हैं मित्रों
कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। वाहन, घर, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें आपकी बढ़ेंगी और घर खरीदने के योग बनते हैं, वाहन खरीदने के योग बनते हैं, पार्टनरशिप के योग बनते हैं। और ऑलरेडी अगर आपने पार्टनरशिप की हुई है, पार्टनरशिप आपकी काफ़ी लाभ देकर जाएगी। और या फिर अगर आप आज के दिन कोई सोच रहे हैं कि भाई मैं इस आदमी के साथ पार्टनरशिप करने की सोच रहा हूँ, तो मेक श्योर जन्म कुंडली एक बार जरूर दिखा लें, पार्टनरशिप आपको लाभ देकर जाएगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। वाहन आदि आप खरीदने की सोच रहे हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। बात करते हैं मित्रों तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए स्पेशली स्टूडेंट जो है, दिन बहुत ही अच्छा है। कार्यों में सफलता, एग्ज़ाम आपने दिया हुआ है, रिजल्ट आपके बहुत ही अच्छे आएंगे, धन लाभ अच्छा होगा, अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा है और अपने काम पर ध्यान लगाएं और आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अपना समय बर्बाद मत करें, इस सही समय का सही प्रयोग करें और आप काफ़ी धन कमा सकते हैं। स्पेशली इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि समय, सही समय का सही प्रयोग जरूर करें और अधिक से अधिक हो सके आप शुक्र देवता के मंत्र किया करें, अपने शुक्र को आप और मजबूत बनाएं। ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः का आप पाठ करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मंत्र जाप जितना आप खुद करेंगे आपके लिए फ़ायदा होगा। बात करते हैं मित्रों वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए स्पेशली आज के दिन पैर में चोट लग सकती है, वाहन आदि से आपको शारीरिक कष्ट पहुंच सकता है। स्पेशली कर्जे से बचें, कोई बड़ा लोन आप लेने जा रहे हैं, मेक श्योर सोच समझ कर ही लोन लें, लोन के चक्कर में आप फंस भी सकते हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। लोन उतारने में आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है, तो कोशिश करें कुंडली परामर्श जरूर करवाएं अगर आप बहुत बड़े लोन की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई बिजनेस आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। और वाहन आदि चलाने में स्पेशली आज के दिन विशेष ध्यान रखें, अधिक से अधिक हो सके लाल कपड़ा आप हनुमान जी को मंदिर में चढ़ाएं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और या फिर ओम हंग हनुमते नमः का आप पाठ करें, आपको अगर कोई शारीरिक कष्ट आने वाला है ये मंत्र जाप करने से वो चीज़ टल जाएगी। और स्पेशली गुस्से के ऊपर आपको काबू रखना होगा, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर गुस्सा कर सकते हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अपनी समझदारी दिखाएं और किसी के झगड़े में बिल्कुल भी मत पड़ें। बात करते हैं मित्रों धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। कार्यों में सफलता, धन लाभ, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी और अच्छे अच्छे ऑफर आपको आएंगे। बिजनेस में है आमदनी अच्छी होगी और थोड़ा सा कमर में दर्द, पैरों में दर्द, ये सब चीज़ें सामने आ सकती हैं, उसके लिए आप शनि देवता के मंत्र करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। या फिर उड़द साबुत की दाल आप मंदिर में दान दें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करते हैं मित्रों मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए स्पेशली पैरों में दिक्कत, पैरों में दर्द, नी पेन और अचानक कोई बीमारी सामने आकर खड़ी हो सकती है। मेक श्योर केतु के मंत्र जाप आप अवश्य किया करें, केतु के मंत्र जाप आप कम से कम मार्च 2019 तक ओम स्त्रांग स्त्रीं स्त्रोंग सह केतु नमः का आप पाठ करें। अधिक से अधिक मंत्र जाप 1, 3, 5 या फिर 7 माला आप किया करें, शाम के टाइम करें। अगर शाम को समय नहीं मिल पाता तो सोने से पहले केतु के मंत्र जाप आप अवश्य करके सोया करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और मानसिक रूप से अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा है, ये मंत्र जाप आप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, शारीरिक कष्ट बहुत ही ज़्यादा है, ये मंत्र जाप करने से आपको काफ़ी आराम मिलेगा। बात करते हैं मित्रों कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य पूरा साथ देगा, कार्यों में सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा और मेक श्योर लेजी बिल्कुल भी मत हो वरना आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। और स्पेशली अगर आप कोई नया कार्य प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जन्म कुंडली जरूर दिखा लें। समय आपका अच्छा है, समय आज का दिन भी आपके लिए बहुत ही अच्छा, दिन के अंत में आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। पर कोई बिजनेस प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं, मेक श्योर जन्म कुंडली दिखाकर ही करें, इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। बात करते हैं मित्रों मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है, कार्यों में सफलता, धन लाभ और आज के दिन आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। बुद्धि से आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे और आप कोई नया काम करने की सोच सकते हैं। और मेक श्योर
इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि सतर्क रहें, लेजी बिल्कुल ही मत हो, इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है। और कहीं पर भी अगर आप सतर्क नहीं हैं तो काफ़ी आपको धन हानि भी हो सकती है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और अधिक से अधिक हो सके आप अपने बुध को और स्ट्रॉन्ग बनाएं, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सह बुधाय नमः का पाठ करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। या फिर आप दुर्गा देवी की उपासना किया करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मित्रों, ये था 12 राशियों का राशिफल, और एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करूंगा और हम चर्चा करेंगे तुला राशि के साप्ताहिक राशिफल के ऊपर, क्या क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं तुला राशि पर। और देखते रहिए एस्ट्रो गुरु, मुलाकात करता हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं पंडित मोहित कपिल शर्मा, नमस्कार। नाम रोशन होगा, काम ऑसम होगा, चैनल साइंस हो, पोस्टर्स हो, बिलबोर्ड्स हो या किसी भी टाइप की सरफेस प्रिंटिंग, हर तरह की साइन के लिए सिर्फ एक ही नाम, एवॉन साइंस। रिलायबल सर्विस और कम दाम, याद रखिए सिर्फ एवॉन साइंस का नाम। कॉल अस नाउ ऑन 832-649-7534 और ईमेल अस info@avonscience.com। Come see me, Salman, at Car Time Auto Repair at 10713 West Belford, Houston, Texas, 77099. Quality work that rivals any dealership. At Car Time, we don't replace parts, we fix cars. We pride ourselves on getting the job done right the first time. Car Time Auto Repair, located at 10713 West Belford. Call us today, 832-743-8180. रास्ते का खाना खाना हो, जो मीठा तीखा खट्टा हो, हर तरह की चाट, डोसा, गुजराती या पंजाबी थाली, इस फूड का क्वालिटी और इसका टेस्ट आपको सीधा बिना फ्लाइट के मुंबई पहुंचा देगा। लस्सी पराठे खाना हो तो ये सब रास्ते का खाना खाने चलते हैं खाने के रास्ते पर। चौपाटी चाट कंपनी, हिलक्रॉफ्ट, 5711 हिलक्रॉफ्ट एवेन्यू, 832-203-7965। नमस्कार प्रिय मित्रों, ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एस्ट्रो गुरु। और मित्रों, हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला राशि वालों के लिए पूरा का पूरा सप्ताह कैसा रहेगा, और स्पेशली ये जो प्रिडिक्शन है मई 18 से लेकर 25 मई तक की, मित्रों मैं ये बात कर रहा हूं, और जो जो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूं, मेक श्योर उन सब चीज़ों के ऊपर स्पेशली गौर करें। तो शुरू करते हैं हेल्थ वाइज, सबसे पहले कि हेल्थ वाइज ये वीक तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए हेल्थ वाइज ये वीक बहुत ही अच्छा है। शारीरिक तौर पर सिर्फ अगर आप डायबिटिक हैं, अपनी शुगर पर नज़र रखें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। कहीं ना कहीं आपका मन घूमने फिरने में, मौज मस्ती में लगा रहेगा, थोड़ा मन और दिमाग अपना एक्सरसाइज की तरफ ज़रूर लगाएं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके पास समय नहीं है तो समय ज़रूर निकालें, क्योंकि आप अपने कामों में इतने ज़्यादा बिजी हो सकते हैं कि आपको अपने शरीर को बिल्कुल भी टाइम देने का समय ही नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर एक्सरसाइज के ऊपर बिल्कुल ध्यान दें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और स्पेशली ये वीक बात करते हैं धन वाइज और पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। पारिवारिक माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा, धन लाभ बहुत ही अच्छा रहेगा। स्पेशली तुला राशि वालों के लिए आपको बताना चाहूँगा कि ये वीक की मैं बात कर रहा हूँ 18 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, कोई आपको बहुत ही अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, धन लाभ बहुत ही अच्छा हो सकता है। और स्पेशली 15 नवंबर 2018 तक का समय, स्पेशली धन लाभ बहुत ही अच्छा रहेगा आपको, बहुत ही समय आपका अच्छा है। तो इस सही समय का सही प्रयोग ज़रूर करें, मेक श्योर। यही मित्रों ज्योतिष का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ज्योतिष आपको सही मार्गदर्शन करता है, तो इस समय का सही प्रयोग करें। अगर आप मार्केटिंग फील्ड में हैं, आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। अगर आप कमीशन फील्ड में हैं, आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। और अगर आप बिजनेस में हैं, आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। तो इस सही समय का सही प्रयोग ज़रूर करें, और स्पेशली इस वीक के अंदर आपको कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, धन लाभ अच्छा रहेगा। और अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोच रहे हैं, 15 नवंबर 2018 तक का समय बहुत ही अच्छा है, और इस सही समय का सही प्रयोग ज़रूर करें। बात करते हैं इस वीक के अंदर, मित्रों अगर आप कोई पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस वीक के अंदर कोई वाहन खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए,
तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी नया पार्टनरशिप का ऑफ़र आता है तो मेक श्योर पार्टनरशिप बिल्कुल भी मत करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। कहीं ना कहीं आप पार्टनरशिप कर तो लेंगे पर इंटरनली आप काफ़ी मानसिक रूप से परेशान रहेंगे कि ये पार्टनरशिप मुझे करनी नहीं चाहिए थी। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप अगर आप करने जा रहे हैं तो मेक श्योर जन्म कुंडली ज़रूर दिखा लें, पर अकॉर्डिंग टू मी इस वीक के अंदर कोई भी पार्टनरशिप का ऑफ़र आता है तो अवॉइड करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और पूरा समय लेकर कि आपको जो ऑफ़र आया पार्टनरशिप का उसके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान कर सकती है, इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना होगा इस वीक के अंदर। तो पार्टनरशिप से बचें आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आप वाहन खरीदने जा रहे हैं, वाहन आप खरीद सकते हैं, आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। और अगर आपके पास ऑलरेडी वाहन है तो वाहन आदि चलाने में थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, कोई दुर्घटना हो सकती है आपकी लापरवाही की वजह से कोई दुर्घटना होगी। मेक श्योर सतर्क रहें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। स्पेशली 18 मई से लेकर 25 मई तक की मित्रों मैं बात कर रहा हूँ, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपकी माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, अधिक से अधिक हो सके माता के लिए आप केतु के मंत्र जाप करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओम स्त्रांग स्त्रिंग स्त्रोंग सह केतुए नमः का पाठ करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपकी माता के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वाहन आदि चलाने में ध्यान रखें, तो केतु के मंत्र जाप आप करते रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और बात करते हैं मित्रों इस वीक में स्टूडेंट्स कैसा रहेगा उनके लिए ये वीक। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है और आपको सफलता ही मिलेगी, तो बिल्कुल भी घबराएं मत। और कुछ इस वीक के अंदर आपको शुभ समाचार ही मिलेगा, समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और स्पेशली बात करते हैं मित्रों अभी वैवाहिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में ये वीक कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन में ये वीक बहुत ही अच्छा है, पर कहीं ना कहीं तुला राशि वालों के लिए पैरों में नी पेन, पैरों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, ये सब चीज़ें सामने आ सकती हैं, पैरों के तलवों के अंदर दर्द, ये सब चीज़ें इस वीक के अंदर सामने आ सकती हैं। अधिक से अधिक हो सके केतु के ही आप मंत्र जाप करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और जीवन साथी के साथ मिलकर कहीं बाहर घूमने की प्लानिंग भी बन सकती है इस वीक के अंदर। और बात करते हैं मित्रों इस वीक में बिजनेस कैसा रहेगा। बिजनेस में थोड़ा सा मंदा हो सकता है, पर समय आपका बहुत ही अच्छा है, अपने इस सही समय का सही प्रयोग करें, मार्केटिंग अपने बिजनेस की आप करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और जॉब पर जो लोग हैं स्पेशली उनके लिए थोड़ा सा ये स्ट्रेसफुल हो सकता है, वर्कलोड आपके लिए ज़्यादा हो सकता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अपने कार्य के ऊपर ध्यान लगाएं, क्योंकि आपके अंदर इतना टैलेंट है कि अपने आप अपने कार्य को फटाफट ख़त्म करते चले जाएंगे। तो मेक श्योर साथ साथ अपने कार्य के ऊपर भी फोकस करें, सतर्क रहें ताकि आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि जॉब पर कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके एम्प्लॉयज़ के साथ आपके झगड़े हो सकते हैं, तो मेक श्योर इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। पिता के आपकी थोड़ी हेल्थ ख़राब हो सकती है, अधिक से अधिक हो सके उसके लिए आप राहु के मंत्र जाप करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और स्पेशली इस वीक के अंदर अगर आप कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो इस वीक में मित्रों अवॉइड करें, नया कार्य बिल्कुल भी प्रारंभ मत करें। और नया कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हैं इस वीक का कम से कम वेट करें। और स्पेशली जैसे कि मैं हमेशा बात करता हूँ, सही समय पर किया गया कार्य हमेशा ही शुभ फल देता है, तो मेक श्योर जन्म कुंडली दिखाकर शुभ मुहूर्त देखकर ही नया बिजनेस आप प्रारंभ करें। और इस वीक के अंदर बात करते हैं आपका भाग्य पूरा साथ देगा, जोरों शोरों पर आपका भाग्य रहेगा और अचानक आपको अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी और बड़े बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा। बहुत ही अच्छा समय मित्रों ये है, तो इसका लाभ जरूर उठाएं। और संचित पूंजी की मित्रों बात करूंगा, अगर संचित पूंजी तुला राशि वाले कहीं पर सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो मेक श्योर इस वीक में अवॉइड करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। जल्दीबाजी में जैसा कि मैंने बात की कि जल्दी जल्दी में आप सोच सकते हैं कि मैं पैसा इसके साथ मिलकर इन्वेस्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो कोशिश करें कि इस वीक के अंदर स्पेशली 18 से लेकर 25 मई तक कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मत करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो मित्रों ये था तुला राशि के लिए क्या क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं इस वीक के अंदर। और अगर आपका भी कोई एडिशनल सवाल जवाब है तो नीचे लिखे ईमेल पर आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस आप मुझे भेज सकते हैं।
और मैं ज़रूर चर्चा करूँगा इस शो के अंदर। और मित्रों, यही इस शो के फ़ायदे हैं कि अधिक से अधिक लोग इस शो को देखें और लाभ उठाएं। और देखते रहिए एस्ट्रो गुरु। और मित्रों, ब्रेक के बाद मैं मुलाकात करूँगा आपसे और हम चर्चा करेंगे तुला राशि वालों के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, क्या क्या मंत्र उनके लिए करना चाहिए ताकि ये वीक उनका काफ़ी शानदार जा सके। तो मुलाकात करता हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं पंडित मोहित कपिल शर्मा, नमस्कार। मनपसंद सुपर मार्केट जहाँ की फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्रोजन फ्रूट आइटम्स आपको सबसे अच्छे प्राइस में मिलेंगी और हलाल ज़बीहा मीट भी मिलेगा। दाम मनपसंद, नाम मनपसंद, तो फिर क्यों ना जाए मनपसंद। लोकेटेड एट विलक्रेस्ट ड्राइव, ह्यूस्टन, नॉर्थ हाईवे एंड विलियम कैनन ड्राइव, ऑस्टिन, टेक्सास। तो नाम याद रखिएगा, मनपसंद सुपर मार्केट। बिजनेस का काम हो या फैमिली वेकेशन, कॉनकॉर्ड ट्रैवल है आपका रिलायबल ट्रैवल पार्टनर। फ्लाइट्स, होटल्स और ट्रैवल बुकिंग्स पे बेस्ट डील्स पाने के लिए कॉन्टैक्ट अस ऑन 713-219-1199 और ईमेल अस एट reservations@concordtravelhouston.com और विजिट अस एट 2245 टेक्सस ड्राइव, स्वीट 300, सुगरलैंड, टेक्सस 77479। concordtravelhouston.com। नमस्कार प्रिय मित्रों, ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एस्ट्रो गुरु और हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला राशि वालों के लिए क्या क्या उपाय करना, क्या क्या मंत्र जाप करना बेहतर होगा। और मित्रों, मेक श्योर ये आपकी जन्म राशि हो, जन्म कुंडली में आपके अगर चंद्रमा नंबर 7 में बैठा हुआ है तो आपकी जन्म राशि तुला राशि है और आज हम आपकी बात कर रहे हैं। और तुला राशि वालों के लिए इस वीक में मित्रों एक छोटा सा ही ये मंत्र है, ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रीं। ये मंत्र जाप आप अवश्य करें। सुबह के टाइम आप एक माला किया करें, एक माला कर सकते हैं, तीन माला कर सकते हैं, पांच माला कर सकते हैं और उसके बाद सूर्य देवता को आप जल देते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। करने का मकसद यही है मित्रों कि इस वीक के अंदर जैसे कि मैंने आपको बोला कि अचानक कोई दुर्घटना भी हो सकती है, कोई चोट आपको लग सकती है, तो शारीरिक कष्ट जो आने वाला है तो सूर्य देवता की उपासना करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सिंपल सा मंत्र आपको दोबारा बोल देता हूँ, ओम ह्रीं घृणी सूर्य आदित्य श्रीं। तो इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें और उसके बाद एक माला करने के बाद आप सूर्य देवता को आप जल चढ़ा दें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं अगर आपकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है तो ये मंत्र जाप करने से आपके शरीर में ऊर्जा आएगी, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जितना मंत्र जाप आप खुद करेंगे आपके लिए फ़ायदा होगा। और दूसरा मित्रों, किसी भी ब्लाइंड पर्सन को आप खाना खिलाएं आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं आपका काम बनते बनते रह जाता है, ऐसा भी इस वीक के अंदर हो सकता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ब्लाइंड पर्सन को आप खाना खिलाएं, किसी भी अंधे व्यक्ति को आप खाना खिलाएं, पर खाना घर से बना कर लेकर जाएं, रोटी सब्जी और कुछ भी मीठा उसके अंदर होना चाहिए। किसी भी आप चलते फिरते गरीब आदमी को आप ये दान दे दें आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और मेन आपका बिजनेस और बढ़ेगा। जैसे कि मैंने अभी बात की है कि कोई काम आपका बार बार अटक रहा है, उसमें रुकावटें पैदा हो रही हैं, ये उपाय इस वीक में किसी भी दिन आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। स्पेशली अगर आप करना चाहते हैं तो ये संडे को करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और तीसरा उपाय मित्रों के अगर आप करना चाहते हैं, 400 ग्राम बूरा और चीनी ये आप किसी भी खाली स्थान पर आप डाल दें या फिर आप नदी में पानी में बहा दें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और स्पेशली अगर जॉब पर आपके वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा है, आपके जॉब पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ये उपाय आप वीक में एक ही बार करना है, किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
और स्पेशली आपको फिर से बताना चाहूँगा कि किसी भी कार्य में जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों से दूर रहें, आपके लिए बेहतर होगा। और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपका मन इस तरफ जाए और आपको काफ़ी धनहानि भी हो सकती है, इन सब चीज़ों से बचें। और मित्रों, अगर आप मार्केटिंग फील्ड में हैं, अगर आप कमीशन फील्ड में हैं और अगर आप बिजनेस के अंदर भी हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा तुला राशि वाले स्पेशली स्फटिक की माला आप गले में धारण करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप स्फटिक की माला, क्रिस्टल की माला इस टाइप से आप गले में धारण करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शुक्रवार के दिन ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः आप एक माला करके, इस माला को आप कच्चे दूध में गंगा जल में धो के आप इसको धारण करें। और ये माला का इफ़ेक्ट मित्रों यही रहेगा कि आपके अगर कार्य, जैसे मैंने बात किया कि कार्यों में अड़चने होती हैं, कोई प्रोजेक्ट आपका रह गया है या फिर आपका प्रमोशन रुका हुआ है, तो ये सब उपाय करने से आपको सफलता मिलेगी। ये माला डालने से मानसिक रूप से आप अपने कार्यों को फटाफट करते चले जाएंगे और आपको अच्छा धन लाभ भी होगा, स्पेशली अगर आप मार्केटिंग और कमीशन फील्ड में हैं। ये माला जल्दी से जल्दी आप धारण करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और मित्रों, यही इस शो के फ़ायदे हैं, अधिक से अधिक लोग इस शो को देखें और लाभ उठाएं। और हमारा ये शो मित्रों मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे आता है और सेम शो रिपीट किया जाता है दोपहर को 12:30 बजे। और अगर आपका भी ज्योतिष को लेकर कोई सवाल जवाब है तो नीचे लिखे ईमेल पर आप मुझे भेज सकते हैं। और मित्रों, अगले एपिसोड में मैं आपसे मुलाकात करूंगा और हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के ऊपर क्या क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं और वृश्चिक राशि वालों को क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में मित्रों, देखते रहिए एस्ट्रो गुरु। मैं पंडित मोहित कपिल शर्मा, नमस्कार, जय माता दी।